बात बताऊं, अगर दस्त लगे हो कच्चा बदलने से नहीं होता, दवाई लेनी पड़ेगी। ये वोट तोड़ने की साजिश है, ये फिर करेंगे। मैं फिर कहता हूँ, ये फिर गठबंधन करेंगे, ये सतपा वाले करेंगे। केजरीवाल साहब को इन्होंने शाम दांड बन पेट से अंदर किया है, इनको जवाब देंगे। अब की बात, कुल टैटू नहीं है ये, मैंने मशीन से खुदवाया है। जब तक जीऊंगा तब तक साथ आएगा, इसलिए मैं उनका, उनके परिवार का मरते दम तक साथ दूंगा। जो ये व्यक्ति इस वे साडे नाल मौजूद ने, कहिंदे कि जब तक भुपिंदर हुड्डा सीएम नहीं बनते मैं अपनी टी शर्ट नहीं पहनूंगा, की कारण है? यही कारण है कि ये इनसे अच्छा इंसान नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, केजरीवाल साहब को इन्होंने शाम दांड बन पेट से अंदर किया है, इनको जवाब देंगे। अब की बार हरियाणा में हुड्डा साहब की सरकार बनने जा रही है। अब मेरा मैसेज कट्टर गौर मोदी को पहुंचा देना। स्टिकर है ये, आपने टैटू कब बनाए थे? बिल्कुल टैटू नहीं है ये, मैंने मशीन से खुदवाया है। जब तक जीऊंगा तब तक साथ जाएगा। कब खुदवाए थे? इनको कई साल हो गए, 10 साल हो गए कम से कम। ऐसी कैसे, मतलब हमने बहुत बार देखा है लोग किसी लीडर के लिए बहुत फैन हो जाते हैं, जिसको कहते हैं कि कट्टर फैन। आप कैसे कट्टर फैन बने? देखो ना, आप किसी के फैन होगे तो कुछ खासियत तो होगी उन्होंने, इसलिए मैं उनका, वो सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर साबित हुए हरियाणा के, इसलिए मैं उनका, उनके परिवार का मरते दम तक साथ दूंगा। कितनी बार मुलाकात हुई हुड्डा साहब से? मैं महीने में 26 बार जाता हूं दिल्ली। हां जी, क्या कहते हैं कि इस बार हरियाणा में समीकरण क्या बने? समीकरण यही है, आम आदमी पार्टी की और हुड्डा साहब की गठबंधन में सरकार बनने जा रही है और हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। हरियाणा ने तो 6 महीने पहले नया फॉर्मूला लगाया, नैब सिंह सैनी को सीएम लगा दिया है, लगता है सैनी 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 फैक्टर भी काम करेगा। आपको एक बात बताऊं, अगर दस्त लगे हो कच्चा बदलने से नहीं होता, दवाई लेनी पड़ेगी, मानते हो? ये बात सही है कि नहीं है? तो भाई दवाई लो जाके, सीएम ना बदलो। जो नाल करनाल सीट निकालेंगे खट्टर साहब आ रहेंगे, 100% आ रहेंगे। और वहाँ सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से एमपी बनने जा रहे हैं, हमारी सारी कांग्रेस की ताकत उनके साथ है। हालांकि कहते हैं कि जो एक दूसरे को आपस में बोलते रहते थे, अब वही इकट्ठे हो गए हैं, वही कभी नहीं बोला था ये भ्रष्टाचारी, कभी नहीं बोला था, सभी ईमानदार एक साथ है। और मोदी, अब एक बात बताओ, बीजेपी के पास ऐसी कौन सी मशीन है जो हमारे कांग्रेसी भी जाके वहां धुल के साफ सुथरे हो गए? सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में है, एक भी नहीं है, सारे ईमानदार। एक तरफ ईमानदारी की और भ्रष्टाचार की लड़ाई है, आज देख लियो। चुनाव से पहले जो गठजोड़ टूटा है बीजेपी का, कैसे देखते हैं? मैं उनको, ये साजिश है, ये वोट तोड़ने की साजिश है, ये फिर करेंगे। मैं फिर कहता हूँ, ये फिर गठबंधन करेंगे, ये सतपा वाले करेंगे, ये खाली लोगों को। उन्होंने कहा था 500 पेंशन मिल रही है आज, 70% नौकरी मिल रही है कहीं हरियाणा में, तो ये चोर है। अब इनकी फाइल पे लाल तागा बांध दिया बीजेपी ने, ये नब से कितनी सीटें आएंगी? 10 में से 9 जीतेंगे। किसको जाएंगे? एक गुप्ता जी को। विधानसभा फिर आके 6 महीने बाद विधानसभा? नहीं 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 नहीं, 90 नहीं, 70 से 75 सीट हम गठबंधन में जीतने जा रहे हैं। देखो ये फैन होंगे ने, और वक्ो वक् पार्टिया के वक्ो वक् फैन जड़े ने वो इतने पहुंचे हुए हैं, जी अपनी गल्ला रखते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा परसन दविंद्र नगर, गगनदीप सिंह, प्रो पंजाब टीवी।